साथियों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में कुछ जानकारी देंगे। व्रत व त्यौहार मन वाणी व शरीर को साफ करते रहने का एक माध्यम ही है, जिसमें व्रत के साथ पूजा व विशेष आहार को जोड़ा जाता है। ये समय समय पर मौसम के अनुसार अनेक नामों से बदलते रहते हैं। कृष्ण के जीवन में चक्र का स्थान समय अर्थात काल का है। गौवंश स्वास्थ्य अर्थात धरा भूमि का प्रसाद पाना माना जाता है। कृष्ण जहाँ श्वास प्राण तत्व है, वहीं गोप ग्वाल रानी पटरानी प्रकृति शरीर है। कृष्ण इस जीवन का आदि से अंत की एक पटकथा है। इसी ज्ञान व कर्म का मेल ही कृष्ण है। यही पांच मेल के पांच पांडव जिनके सारथी कृष्ण हैं। ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने सुनने महसूस करने स्वाद ताप रंग आदि का पता लगाते हैं। मानव शरीर में त्वचा आँख कान नाक और जिह्वा आदि पांच प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। त्वचा महसूस करने का, आंखें देखने का, कान सुनने का, नाक गंध का पता लगाने का और जिह्वा स्वाद को परखने का काम करती है। कर्मेंद्रियों के कर्म वायु के द्वारा होते हैं, क्योंकि चलना बोलना बल करना पसरना और सिकुड़ना वायु की प्रकृतियां बतलाए गए हैं। संत मत दर्शन के अनुसार इंद्रियां 14 हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां आँख कान नाक जीभ और त्वचा, पांच कर्मेंद्रियां हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग, और चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां तथा चार मन बुद्धि चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। गीता के 10 उपदेशों के बारे में जानते हैं जो सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वर्तमान का आनंद लो, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। दूसरा है नाम पद प्रतिष्ठा संप्रदाय धर्म स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं और न ये शरीर हम हैं। ये शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म है और न इसकी मृत्यु। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है, यहाँ सब बदलता है। तीसरा है परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है, इसलिए सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान आदि में भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। चौथा है क्रोध शत्रु है, अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध काम वासना और भय से ये हमारे शत्रु हैं। पांचवा ईश्वर के प्रति समर्पण, अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेगा और हम दुख भय चिंता शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। छठा अपने नजरिए को शुद्ध करें, हमें अपने देखने के नजरियों को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। सातवां मन को शांत रखें, अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमेशा हमारा शत्रु बन जाएगा। आठवां कर्म से पहले विचार करें, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। नवा है अपना काम करें, कोई और काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें, भले वो अपूर्ण क्यों ना हो। दसवां है समता का भाव रखें, सभी के प्रति समता का भाव, सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार में वियोग का नाम योग है। योग बल से हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है, इसी के गर्भ से उत्पन्न आठवां बालक तेरा वध करेगा। कंस ने वसुदेव और बहन देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7ों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला।
अब आठवां बच्चा होने वाला था, कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख आठवें बच्चे की रक्षा को उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे और कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उपंती अथान यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वो कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, तुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। इस कथा के पीछे बहुत बड़ा जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन को अगर हम समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो पाप का अंत होगा और सत्य की विजय होगी। यही इसका ध्येय है। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। धन्यवाद।